भोजपुरी फिल्म के मजे हुए डायरेक्टर प्रदीप कुमार ने अभी तक, प्रदीप सिंह ने अभी तक जितनी फिल्में की हैं वो फिल्में दर्शकों को हमेशा से पसंद आई हैं। मैं सहरा बांध के आऊँगा फिल्म हो या फिर पटना से पाकिस्तान, लोगों ने बहुत प्यार दिया। हाल ही में प्रदीप सिंह को दोनों फिल्मों से जो प्यार मिला उससे खुश होकर उन्होंने चार और बड़ी फिल्मों की घोषणा की कि मैं बहुत जल्द चार फिल्में लेकर आने वाला हूँ। ये खबर हमने आपको पहले भी दी है। लेकिन प्रदीप सिंह कौन सी चार फिल्मों में इंडस्ट्री के कौन से स्टार को लेंगे, ये सवाल सभी के मन में बना हुआ था। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है तो हम आपको बता देते हैं प्रदीप सिंह से जुड़ी एक खास खबर, उनकी आने वाली चार फिल्मों से जुड़ी एक खास खबर। दरअसल हाल ही में दिलीप कुमार की बेटे की शादी में पहुँचे थे प्रदीप कुमार, जहाँ इनसे पूछा गया कि आप किस फिल्म में लेना चाहेंगे, खेसारी लाल या फिर पवन सिंह या फिर निरहुआ को। तो उन्होंने ये बात साफ कह दी है कि देखिए, तीन फिल्मों में तो मैं इंडस्ट्री के तीनों बड़े कलाकारों को लूँगा, चाहे वो पवन सिंह हो, जुबली स्टार निरहुआ हो, खेसारी लाल यादव हो। बची एक फिल्म, चौथी फिल्म, तो उसमें मैं इंडस्ट्री के 8 एक्टरों को साइन करने वाला हूँ और वो फिल्म ऐसी होगी कि लोग देखते रह जाएंगे। प्रदीप के इन बातों से लगा कि बहुत जल्द वो मैं सहरा बांध के आऊँगा के बाद एक धमाका करने जा रहे हैं। फिलहाल उनकी सबसे पहली जो फिल्म होगी वो खेसारी लाल के साथ होगी, उसके बाद वो अगली फिल्मों के लिए बाकी के कलाकारों का भी चयन करेंगे। इसके अलावा प्रदीप कुमार से जुड़ी एक खास खबर ये भी है कि खेसारी से उनके जो संबंध पीछे छूट रहे थे वो और मजबूत हो चुके हैं और दोनों के बीच ऐसा कोई भी मनमुटाव की खबर नहीं है, ये बात खुद प्रदीप ने स्वीकारी है।